क्या ये तुम और हुई? रूही, कहाँ चली गई थी तुम? अपने नाहर जी के लिए प्लीज वापस आ जाओ रूही। वापस तो मैं भी आना चाहती हूँ नाहर जी, लेकिन मेरा आना इतना आसान नहीं। नहीं नहीं रूही, प्लीज 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 ऐसा मत बोलो, प्लीज रूही। सॉरी नाहर जी, मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी आप मुझे दिल से याद करेंगी, मैं आपको नजर आऊंगी। पर अभी मुझे जाना होगा। प्लीज ऐसा मत बोलो, रुक जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा खाली इतना बता दो कि तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, इतना तसल्ली दे दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। रूही रूही रूही, नहीं 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 रूही रूही, रूही रूही। थैंक गॉड लाइट वापस आ गई, दादी ने तो डरा ही दिया था मुझे एकदम। अब ये सपना बहुत जल्द सच होगा। ये लाइट कैसे गड़बड़ हो गई? मैं बाहर देखती हूँ। क्या था? कहीं वो सच में तो रूही का भूत तो नहीं था? नहीं, भूत तो कुछ होता ही नहीं है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये बस मेरा एक वहम होगा। डरो मत अग्नि, कुछ नहीं होता है। कौन है? इतनी रात में कौन वहां इकट्ठा खोद रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं? पर नहीं, धन्ना नहीं है, धन्ना नहीं है। मैं देख कर आती हूँ कौन है वहां पे। नहीं डरना नहीं है। कौन है? कैसे चली गई? और वो भी सिर्फ गार्डन की लाइट गई है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है उधर? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी की कब्र खोदी हो।
तो नहीं, मुझसे बदला लेने आई है? लेकिन रूही कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे खुद अपनाया था। कौन है? कौन है? जिन लोगों की एक्सीडेंट हुई या हत्या से या आत्महत्या से अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहे रूही का भूत तो नहीं मुझे परेशान करने आया है? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। देखो, तुमने पहली बार किसी को मारा है ना, इसीलिए तुमको इतना डर लग रहा है। कुछ देर में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, जान भरी सब ठीक हो जाएगा। और वो तो मर चुकी है। हाँ, वो तो मर चुकी है अग्नि। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। रिलैक्स अग्नि, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अगर मैंने किसी से कुछ कहा ना तो सबको मेरे ऊपर ही शक होगा। कल रूही की आत्मा शांत, उसके बाद रूही की आत्मा को शांति मिल जाएगी, फिर डर भी नहीं लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मत वरी, कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कहा ना, कोई डरने की बात नहीं है। अंधेरे को मिटाकर रोशनी भरती है, लेकिन मेरे जिंदगी में जो अग्नि आई है, उसने मेरे और नाहर जी के रोशन रिश्ते को अंधकार में ढकेल दिया। किसी भी शांति पूजा से मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगी। तुमने मेरे नाहर जी को, मेरे परिवार को, सबको दुखी किया है, सबको चोट पहुंचाई है। ना सिर्फ मुझे, तुमने मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया है। सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें मारकर जेल से भाग गई और मैंने खुदकुशी कर ली, और शायद तुम्हारा ये प्लान लगभग कामयाब भी हो चुका था। लेकिन चाखो राखे साईं, मार सके, मार सके।
तो बेहोश हो गई है। अगर मैंने इसको जिंदा दफना दिया तो ये अपने आप मर जाएगी। रूही, 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 भाभी, भाभी, क्या फासल? अगर नान यहाँ तक आ गया तो वो रूही को होश में लेकर आएगा, और अगर रूही होश में आ गई तो वो मेरा सारा भांडा फोड़ देगी। रूही, रूही, भाभी, रूही, मार तो एकदम पास आ रहा है मेरे, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं इसको पहाड़ी से फेंक दूँ, सबको यही लगेगा कि रूही, रूही ने शर्म के मारे आत्महत्या कर दी, और ना घर वालों को शक होगा ना पुलिस को शक होगा। ये तो जानवरों को पकड़ने का जाल है, यही मेरे काम आएगा। परेशान हो जाऊंगी।
जलम प्रवाह तुम्हारे एक एक पाप की सजा मिलेगी। मैं चाहूं तो अभी जाकर सबको सच बता सकती हूं, लेकिन तुम इतनी शातिर हो कि तुम मुझे एक मिनट में झूठा साबित कर दोगी। इसीलिए अब तुम खुद अपनी काली करतूतों का सच अपनी जुबान से बयां करोगी। तुम खुद अपना सच सबको बताओगी, और जब तक तुम अपना सच सबको बता नहीं देती, तब तक मैं यूं भूत बनकर तुम्हें डराती रहूंगी। तुम्हारा सच सबके सामने लाने के बाद मैं अपने नहार जी और अपने परिवार के पास आऊंगी। डीआईजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने रोहित को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना तो रोहित मिली हमें, ना ही उसकी बॉडी मिली। एग्जैक्टली पापा, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हो सकता है कि रोहित जिंदा हो, है ना पापा? मेरे दिल को ये मानने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि रोहित को कुछ हो सकता है। चमत्कार पे विश्वास रखते हो ना पापा? चमत्कार तो किसी के साथ भी हो सकता है ना पापा? और मेरा दिल कह रहा है रोहित बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रोहित। पापा आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ ना पापा, क्योंकि इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद कोई कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज पुलिस को बोलिए कि वो सर्च कंटिन्यू रखे, रोहित को ढूंढते रहे, है ना पापा? लेकिन ना मेरे बेटा, वो जो रोहित की साड़ी का टुकड़ा मिला है ना, उस पे जो खून के निशान है, वो रोहित के खून से मैच करते। नहीं नहीं, कभी कभी पापा होता है ना, जो दिखता है वो नहीं होता। रोहित बिल्कुल ठीक है पापा। अभी ना सब नीचे। हाँ पापा, मैं शांति पूजा में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पापा सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मेरा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रूही को कुछ हो सकता। पापा रूही यही कही है, यही कही है पापा, रूही यही है पापा, रूही ठीक है पापा। बस हुआ सब सब सब।
नार्जी, मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगी।